के लिए सक्षम रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे रीजंस कि क्यों सिर्फ मंगल या नहीं सब कुछ मार्स पर जाने में सक्षम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जो नासा का मंगलयान था, मतलब जो उनकी तरफ से मार्स का मिशन हुआ था मेवन, उसमें जो खर्चा आया था वो इंडिया का जितना खर्चा आया था उससे x10 कर दो उतना खर्चा आया था। इन शॉर्ट बहुत ज्यादा आया। इसलिए इंडिया का मंगलयान स्पेस एफिशिएंट है, उसके साथ साथ आपका कॉस्ट एफिशिएंट है, तो आप ज्यादा लोगों को कम पैसों में लेके जा सकते हैं और लोग अफोर्ड कर सकते हैं। रीजन 2 व्हाई मंगलयान। दूसरा रीजन कुछ ऐसा कि अगर आप उन पैसों को अर्थ की 1.2 पॉपुलेशन पे डिवाइड करते तो आप लोगों ने 4,000 रुपए दिए मार्स पे जाने के लिए। मुझे नहीं लगता इससे सस्ता और कुछ हो सकता है, इससे अमेजिंग चीज कुछ और हो सकती है। रीजन 3 व्हाई मंगलयान। इंडिया के मंगलयान में सबसे ज्यादा ग्लाइफ इंडिकेटिंग गैसेस को डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स लगे हुए हैं, मतलब जितनी ज्यादा गैसेस वहां पे होंगी वो इंडिया का जो मंगलयान है उसको आराम से पता लग जाएगा और वो सारी डिटेल अपने यहां पे भेज देगा। इसलिए ये एक और चीज सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी मुझे मंगलयान में। हमारा मंगलयान सबसे ज्यादा वेट एफिशिएंट है, बिकॉज इसका वेट तो एक एसयूवी से भी कम है, सिर्फ 1300 किलो वेट है इसका। इसका मतलब ले जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी हम लोग पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जो सिर्फ फर्स्ट ट्राई में ही मार्स पे पहुंच गई थी। रीजन 5 व्हाई मंगलयान। जहाँ पे नासा को 5 साल लगे मेवन को बनाने में, वहाँ पे मंगलयान सिर्फ 15 महीनों में बन गया, मतलब 1 साल और कुछ 3 महीने। वाह, इसका तो मतलब सबसे बड़ी चीज ही यही है ना। हमारी स्पेस एजेंसी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है, मानो नहीं मानो। रीजन 6 व्हाई मंगलयान। सिक्स्थ रीजन, मंगलयान एक पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो कि इंडिया या फिर इसरो की 54 इयर्स की हिस्ट्री में पहली बार आगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर भेजा गया था, क्योंकि सैटेलाइट से दूर थी। तो उस सारी हिस्ट्री में मंगलयान पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो कि हमने पहली बारी में ही मार्स पे भेज दिया, सिर्फ एक ही ट्राई पे, सालों बाद भी। मतलब नासा से ज्यादा ही कैपेबिलिटी है इसरो के पास। रीजन 7 व्हाई मंगलयान। अच्छा, आपको पता है मार्स कितना दूर है? 670 मिलियन किलोमीटर। तो हमें बनाने में कितना कॉस्ट लगे? 450 करोड़ रुपीज। अगर हम उस चीज को डिवाइड करें ना पर किलोमीटर के हिसाब से, तो बनता है 6.7 पर किलोमीटर इसका खर्चा मार्स पे भेजने का हमारे स्पेसक्राफ्ट मंगलयान का। इसका मतलब वो कहीं ऑटो रिक्शा से भी सस्ता है, कहीं ओला ड्राइव से भी सस्ता है। बिल्कुल, अगर मार्स पे कॉलोनाइजेशन करना होगा तो सबसे पहला ऑर्डर इंडिया की नासा को ही आएगा। रीजन 8 व्हाई मंगलयान। रीजन, इंडिया जो है वो आफ्टर अमेरिका, रशिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडिया की स्पेस एजेंसी 4th एजेंसी है जो कि सीधा मार्स पर पहुंची सक्सेसफुली।